हाय गाइस, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का जो 19 जुलाई को इंटरव्यू हुआ है उसके कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए हुए हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि वो सारे क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो इंटरव्यू में पूछे गए हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है, संसद का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ था? तो संसद का गठन अनुच्छेद 79 के तहत संसद गठन हुआ था। और इसमें यह था कि संसद केंद्र सरकार के लिए कानून बनाने वाला अंग है और भारत के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। अगला क्वेश्चन इसके बाद का था कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष उम्र होना चाहिए तथा लाभ का पद धारण न करता हो तथा कोई भी मतलब लाभ का पद धारण न करता हो, और उसके अलावा भारत का नागरिक होना आवश्यक है। और इसके बाद जो पूछा गया, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। और जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक जरूर करें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो आप तक आसानी से पहुँच जाएंगे। और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है इसमें वो है, उत्तर प्रदेश में हीरा उत्पादन कहाँ होता है? तो हीरा उत्पादन उत्तर प्रदेश में बांदा में होता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो वो है कानपुर में है। इसके बाद का जो क्वेश्चन पूछा गया वो, भारत में उत्तर प्रदेश का गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और इसके बाद पूछा गया, कार्य का मात्रक बताओ। तो कार्य का मात्रक जानते ही हैं, जूल होता है। एक बात ये बता देना चाहता हूँ कि जो लोग फेसबुक पर हैं और वो लोग सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर के ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो इस लिंक पर, यहाँ जो लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को फेसबुक पर डालें और ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी तैयारियाँ होती हैं, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। आगे चलिए देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन जो पूछा गया वो है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में हुआ था और किसके बीच में हुआ था? मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया वो, आग की खोज किस युग में हुआ था? आग की खोज निम्न पूरा पाषाण काल में हुआ था। और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसके बाद इसके यूज के बारे में पूछ लिया जाएगा कि सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था इसका, आग का। तो आग का प्रयोग ये नवपाषाण काल में मनुष्य द्वारा किया गया था पहली बार। और चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए, कंप्यूटर से क्वेश्चन है पूछा गया, स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जानते हैं? स्क्रीन के बैकग्राउंड को डेस्कटॉप के नाम से भी जानते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। और इसके बाद जो क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में किसी फाइल को खोलने के लिए कौन सा कमांड प्रयोग करेंगे? एमएस वर्ड में किसी भी फाइल को खोलने के लिए कौन सा कमांड यूज करेंगे? तो आप लोग अगर कंप्यूटर पढ़े हों तो आप लोग जानते होंगे कि जो फाइल मेनू होता है उसी में होता है ओपन कमांड, उसी के नीचे। तो ओपन कमांड से ही हम किसी फाइल को खोज कर ओपन कर सकते हैं। और इसी का, किसी फाइल को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होता है? तो किसी फाइल को ओपन करने के लिए जो फाइल के अंदर जाकर हम अभी बता रहे हैं कि तो ओपन कमांड को चूज करते हैं, तो उसी को खोलने के लिए डायरेक्ट शॉर्टकट की जो होता है वो CTRL मतलब Ctrl+ वो होता है। और इसके बाद का जो क्वेश्चन है पूछा गया वो, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में है। मैं ये एक बात बताना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जिन लोगों का इंटरव्यू अगर हो जा रहा है
या हो गया हो, तो वो लोग अपने क्वेश्चंस, उनसे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इंटरव्यूअर द्वारा, वो क्वेश्चंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आप लोग चाहे तो वीडियो के कमेंट में भी ये वीडियो क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, या फिर ईमेल आईडी, ये सेल्फ गाइड स्टडी @gmail.com, ये देखिए ईमेल आईडी है। आप लोग चाहें तो इस ईमेल आईडी पर भी क्वेश्चंस को भेज सकते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चंस भेजेंगे तो मैं उन पर वीडियो बनाऊंगा, और जिससे और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी का फायदा हो सकेगा इससे। आइए चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया वो है, भारत एवं चीन की सीमा को क्या कहते हैं? तो भारत एवं चीन की सीमा को आप लोग जानते हैं, मैकमोहन रेखा द्वारा विभाजित किया गया था। मैकमोहन रेखा जो है वो भारत एवं चीन की सीमा को कहते हैं। इसके बाद पूछा गया, भारत एवं पाकिस्तान की सीमा को क्या कहा जाता है? तो भारत एवं पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, और जो कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर सीजे रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। सर सीजे रेडक्लिफ के द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान की सीमा को निर्धारित किया गया था। इसके बाद का क्वेश्चन पूछा गया है, वो भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर झील, जो कि पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी पर है, और इसी नदी पर, सतलज नदी पर ही भाखड़ा नांगल बांध से निर्मित हुआ है। और आगे चलिए देखते हैं, जिन लोगों को मेरे वीडियोज के पीडीएफ चाहिए वो लोग इस लिंक पर जाकर सारे पीडीएफ ले सकते हैं, इच्छा सेंटर ऑफ एजुकेशन। ये आप गूगल पर भी डालेंगे तो डायरेक्ट खुल जाएगा, या फिर sites.google.com साइट इच्छा सेंटर ऑफ एजुकेशन डालेंगे तो आपका ये खुल कर आ जाएगा, और वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है, 6 और 24 का तृतीय अनुपाती बताओ। तो 6 और 24 का तृतीय अनुपाती 96 आएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा कि आप लोग का कितना आ रहा है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद का अगला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया, 12 मजदूर एक काम को 24 दिन में पूरा करते हैं, तो 8 मजदूर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ये सिंपल साइंस क्वेश्चन है और मैंने सॉल्व किया है, 36 दिन आया है। आप लोग सॉल्व करके बताइएगा कि कितना आप लोग का आ रहा है। और अगला इसमें देखिए, एक जरूरी बात यह है कि जो प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं उसे मैंने अपने वीडियो में दोहराया नहीं है, इसलिए और भी प्रश्न उत्तर के लिए आप पिछला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इंटरव्यू में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो क्वेश्चन दोहराए जा रहे हैं उन सब पर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। तो पिछला वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो दोहराए जा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि जो लोग यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पर लिंक दिया हुआ है डायरेक्ट यूट्यूब का, www.youtube.com/selfguidestudycenter। आप यहाँ पर इस लिंक पर जाकर डायरेक्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें दोस्तों के साथ भी, फेसबुक पर भी शेयर करें, ताकि जिन लोगों का इंटरव्यू बचा हुआ है वो लोग क्वेश्चंस से कुछ सीख सकें और अपने इंटरव्यू की तैयारी को और बेहतर बना सकें। और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।